हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय बेबी केयर और मैं हूं आपके साथ अर्शना। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी स्ट्रॉलर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, पीहू के लिए मैंने स्ट्रॉलर काफ़ी यूज़ किया था, चाहे मुझे वॉक पे जाना होता था या फिर मुझे मॉल जाना होता था या फिर हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे होते थे तो स्ट्रॉलर हम साथ में ही रखते थे ताकि पीहू को कैरी करना आसान हो जाए और साथ ही साथ हमारे लिए भी ये कम्फर्टेबल हो। तो आज की इस वीडियो में मैं जिस स्ट्रॉलर के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो प्रोडक्ट है लवलैब का कॉस्मोस रॉकर स्ट्रॉलर। और इसके क्या फीचर्स हैं, क्यों आपको ये लेना चाहिए अगर आप अपने बेबी के लिए स्ट्रॉलर खरीदना चाह रहे हैं तो क्यों आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, इस स्ट्रॉलर का सबसे पहला और जो अच्छा फीचर मुझे लगता है वो ये है कि इसके जो व्हील्स होते हैं इनको आप इन्वर्ट करके इसको एक रॉकर के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। रॉकर आपने देखा होगा, जो बच्चे छोटे होते हैं वो झूला झूलने पे शांत हो जाते हैं और अच्छे से सो जाते हैं, तो आप इसके व्हील्स को उल्टा करके आप इसको रॉकर में चेंज कर सकते हो। तो कैसे चेंज करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक बटन होगा, आपको उसको प्रेस करना है, ऑफिस को थोड़ा बाहर की तरफ खींचना है और इसको व्हील को ऊपर कर देना है। देखिए इस तरीके से ऊपर हो गया है। ऐसे ही सेम आपको दूसरे व्हील को भी करना है। ये बटन प्रेस करके थोड़ा सा आगे की तरफ खींचिए और इसको उल्टा कर दीजिए। तो आगे का चीज़ हो गई है। अब पीछे की तरफ भी इसी तरीके से आपको करना है। बटन ऐसे किया और इसको ये सीधा ही ऊपर की तरफ हो जाता है। तो देखिए अब ये आपका रॉकर बन गया है। तो बेबी के लिए इस तरीके से आप इसको एज अ रॉकर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जो है 5-पॉइंट हार्नेस है बेबी की सेफ्टी के लिए। जब आप बच्चे को बिठाते हैं तो बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, बच्चा नीचे ना गिरे, इसके लिए जो है इन्होंने सेफ्टी बेल्ट दी हुई है 5-पॉइंट हार्नेस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये इस स्ट्रॉलर में आता है। नेक्स्ट फीचर की देखिए फ्रेंड्स, इसको ओपन करना और इसको फोल्ड करना काफ़ी इजी है, बहुत ही एक हाथ से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इसको आपको साइड करना है और नीचे एक बटन को जो है प्रेस करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत इजीली ये फोल्ड हो गया है, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप इसको ओपन भी करना चाहेंगे तो आपको यही चीज़ करनी है, बटन को प्रेस करना है और इसको ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट फीचर ये है कि ये जो स्ट्रॉलर है इसमें 3 पोजिशंस जो है बना सकते हैं, जैसे कि ये जो है सिटिंग पोजीशन होती है और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा रिक्लाइन करना, ये देखिए रिक्लाइनिंग पोजीशन है, और बच्चा अगर पूरा लेटना चाहता है, बच्चे को नींद आ रही है, तो आप इस तरीके से खींचकर इसको बच्चे को सुला भी सकते हैं। तो 3 पोजीशंस में जो है बच्चा इसमें आराम से बैठ सकता है, सोना चाहता है, बैठना चाहता है, थोड़ा सा रिक्लाइनिंग पोजीशन आप देना चाहते हैं, तो 3 तरह की पोजीशन आप इस स्ट्रॉलर में पा सकते हैं। इसके अलावा इस स्ट्रॉलर में जो है कैनेपी आती है, आप देख पा रहे होंगे, और इस कैनेपी का ये फ़ायदा है कि बच्चे को आप धूप से, बारिश से, इन सबसे जो है कैनेपी बेबी को बचाता है। साथ ही साथ इस कैनेपी में देखिए एक लुकिंग विंडो मिलती है। मान लीजिए कि बच्चा आपका सो रहा है तो इस तरीके से आप ओपन करके इसमें आप अपने बच्चे को देख भी सकते हैं कि बच्चा आराम से सो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस स्ट्रॉलर में ये फीचर है कि इसमें देखिए जो फुट रेस्ट है इसकी पोजीशंस को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको ये बटन दिख रहा होगा, ऐसे एक बटन जो है दूसरी साइड भी है, इनको प्रेस करने से ये फुट रेस्ट की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। देखिए नीचे की तरफ हो गया है और आप इसको बिल्कुल इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका बेबी बैठा हुआ है और पैर लटकाना चाहते हो तो आप इस पोजीशन में इसको रख सकते हैं, और अगर थोड़ा ऊपर रखना चाहते हो तो ऐसे करो, और बच्चा बिल्कुल सो रहा है तो इस टाइम बिल्कुल सीधा कर दीजिए ताकि बच्चा जो है आराम से सो पाए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके व्हील्स की तो व्हील्स जो हैं काफ़ी स्टर्डी हैं, काफ़ी मजबूत हैं, और आप देख रहे होंगे कि जो व्हील्स हैं ये 360 डिग्री जो है रोटेट हो जाते हैं, तो ये भी एक इसका अच्छा फीचर है। और फ्रेंड्स, मॉम्स के लिए एक बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि इसमें देखिए एक स्टोरेज बास्केट भी है। अगर आप बेबी को कहीं लेकर जा रहे हैं और उसके साथ आप सामान है आपके पास और वो आप कैरी करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो एक एरिया यहाँ पे स्टोरेज के लिए है। तो अगर आप बेबी का कोई भी डायपर हो या वाइप्स हैं या वाटर बॉटल है, कुछ भी आप लेके जाना चाहते हो तो आप इसमें रख सकते हो, काफ़ी इसमें स्पेस है और यहाँ पे आप बेबी के रिलेटेड जो भी सामान है, आपका भी कुछ सामान है, तो आप यहाँ पे ईजिली कैरी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है रॉकर स्ट्रॉलर, ये जो है काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी स्टर्डी है, मजबूत है, और साथ ही साथ इसको कैरी करना भी काफ़ी इजी है अगर आप ट्रैवल के लिए ले जाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वन हैंड से ये इजीली फोल्ड हो सकता है या ओपन हो सकता है, तो इसलिए ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा हो और आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्टली अमेज़ॉन से या फिर लवलैब से ख़रीद सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इनके लिंक मैं आपको दे दूँ तो इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूँगी, आप वहाँ जाकर भी इनको देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने बेबी के लिए स्ट्रॉलर खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आई होप अगर आप इसको देखना चाहते हैं आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इसके फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए हैं। तो यही था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही बेबी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ लाती रहूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।